क्रीम की याद आ रही, पानी पूरी की याद आ रही है। रात तो पानी पूरी के क्रीम की याद आती है आपको। खाना है, क्या खाना है? क्रीम। आँख खुल, ये दे दो, ये टूट जाएगा। गुड मॉर्निंग बोलो दीदी को। तुझे मम्मी की याद आ रही क्या? याद कह रही इसे मम्मी की याद आ रही। लाओ, अरे मेरा बच्चा, थैंक यू। मैं चचा लगा रही थी कॉफी आँख में। आँख में लगा रही तुम चचा? वो तो पानी पूरी की भी याद आ रही क्या? काहे की याद आ रही? पहले खाना बना मैं। हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जी भी सुबह का टाइम हो रहा है, मैंने पूरे घर को संगवा के सारे घर में झाड़ू निकाल दी है। बच्चे भी उठने लग रहे, मैंने हेयर वॉश भी किया है। तो मुझे भी बनाना है खाना, क्योंकि आज है हमारे जो बाबा जी हैं उनका श्राद्ध है और दो देवताओं का है। तो मैं बनाऊंगी अभी आलू टमाटर की सब्जी बनाऊंगी, पूरी बनाऊंगी और उसके साथ में जो है थोड़ा सा हलवा बनाऊंगी। तो ये पूज देंगे नहा वहा करके, फिर गांव में जो है वो दे आएंगे खाना पीना। और आज हमें जो है वो मौसी जी को देखने के लिए भी जाना है। तो आज बहुत सारे काम है, इसी वजह से मैंने कहा सबसे पहले ना अपना जो पूजा पाठ का काम अपना श्राद्ध का वो निपटा ले। तो पहले बिंदी वगैरह लगा लूँ, उसके बाद करती हूँ फिर। तो जी अभी मैं यहाँ पे रेडी हो रही हूँ और उसके बाद जाऊँगी मैं सीधा किचन में खाना बनाने के लिए। तो वही है कि बिंदी और सिंदूर लगा लेंगी थोड़ा सा वगैरह भी लगा लिए। अभी सीधा जाऊँगी मैं किचन में खाना बनाने के लिए। उठ जाओ, चलो ये चद्दर वद्दर की तह हो जाएगी। मैं पहले सब्जी छोंक कर हलवा बना कर आटा रख के जब मैं पूजा करूँगी फिर मैं पूरी तार लूँगी। इतना ज़्यादा नहा लूँगी। बेटू आप भी नहा लो, चलो मांटू ताजे पानी में नहाइए बेटा। हाँ आप भी तो नहाओगे, चलो चलो उठ जाओ। तो सब तो सबको पागल बना। मांटू सर भी धुलेगा आज तो या कल को? आज तेल लगा लिए तो चलो ताजे पानी में नहाइए। मांटू टैंकर के पानी में बिल्कुल भी ना नहाइए, बहुत जर सा रहा निकल के। मैं तो चोखा बाल्टी भरी हुई रखी थी उसमें मैं नहा ली। चलो नहा लो दोनों, मैं चादर तह करके फिर तुम भी नहा लो हैं। मैं सब्जी काट लूँ पर नहा के भाई सुबह सुबह आवे आनंद। छोटू छोड़कर कहाँ गया है मांटू? छोटू चाची तो जी मैं अभी बना रही हूँ यहाँ पे हलवा। सब्जी मैंने छोंक दी है और आटा लगा करके रख दूँगी, क्योंकि आज एकादशी है तो एकादशी पे खीर वो तो चावल वगैरह तो नहीं बनेंगे। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ भी हलवा। और बस ये वाला रूम रह गया था, इसमें झाड़ू नहीं निकली थी तो मैंने इस वाले रूम में भी झाड़ू निकाल दी है। बाकी पूरे घर में मैंने झाड़ू वगैरह सब सिंगवा करके निकाल दिए। और बस बच्चे भी नहा लिए हैं, अभी ये नहा लेंगे, तब तक जो है वो खाना तैयार हो जाएगा। और पाखी नहा ली है और उसको मैं दूध दे रही हूँ तो वो भी पढ़ लेगी। साथ के साथ मैं पूजा के बर्तन भी साफ़ कर दूँगी, फिर जो है मुझे पूजा भी करनी है। चलो वीडियो बनाते बेटा।
अच्छा मत करो, चलो मुझे बनाती हूँ मम्मी की जरा से। हाँ जी कौन से में दिया? कौन से दो पौधे धरे हुए भी इधर सूखे अच्छा इंगे हाँ इंगे यार उनको दे दिया नहीं मैं तो मेरे पूरे बना रहे हो अच्छा बताओ मम्मी की मैं पूरे बना रही हूँ हाँ तेरी पूरी तार दूँ आजा कढ़ाई में हाँ मैं मारूँ क्या कर रही हूँ मैं अभी थोड़ी जा रहे हैं तो तुम काम में जाओगे हाँ मैं वहाँ नहीं जाऊँगी यहाँ पे पढ़ाई दिखाऊँ मैं बच्चों की पढ़ रहे हो आप पढ़ाई कर रहे हो क्या पढ़ रहे थे आप ए फोर एप्पल फूल नहीं बनाते बेटू पढ़ाई भी करते हैं तेरी तो ले रही मानते हो अपनी ले रही छोटू की है नहीं तो हाँ ये मेरा है ये आपका है ये मेरी कैप है ये आपकी है आप पढ़ाई कर रहे हो और है ना चल बेटा मंटू ले कर आओ अपना भी खाना जाओ तो जी भी खाना पीना सब कुछ हो गया है और ये भी जो है वो खाना लेकर के जा चुके हैं गांव में पंडितों के यहाँ पे देना होता है तो ये कपड़े हाँ मैंने कल धुले थे और ये अभी सूख गए हैं तो इनको तह लगाऊंगी क्योंकि कल आ गई थी थोड़ी थोड़ी सी बारिश तो ये सारे कपड़े फिर मैंने बेड पे ऐसे ही डाल दिए थे और अभी तो धूप ही निकल रही है थोड़े से कपड़े मैंने धुले हुए हैं तो वो डाल देती हूँ मैंने क्योंकि कल धुले थे जिस दिन श्राद्ध होता है उस दिन जब तक श्राद्ध का खाना पीना नहीं बनता तब तक कपड़े वगैरह नहीं धुलते हैं तो सबसे पहले मैं ये वाले कपड़े डाल देती हूँ तो जी भी मैंने सारे कपड़े जो है डाल दिए छोटे छोटे से रह गए इनको स्टैंड पे डाल देती हूँ अभी जो कपड़े वैसे पड़े हुए हैं सूख गए हैं उनको भी मैं तह लगा लेती हूँ जो प्रेस व्रेस पे जाने हैं छाट के क्योंकि इनमें से कुछ सूख गए हैं पड़े हुए रहेंगे ना तब तक ऐसे ही लगे जाएंगे मुझे तो जी भी मैं यहाँ पे सारे कपड़े जो हैं जो प्रेस पे करने के हैं वो अलग रख दूँगी और जो तह बना के अलमारी में रखने के हैं उनको मैं बास्केट में रख दूँगी आज प्रेस वाले भैया को भी फ़ोन करना है कि वो ले जाएंगे तो संडे में वापस दे देंगे क्योंकि फिर मंडे से सबको जाना भी होता है तो संडे में ही प्रेस हो जाएगी सभी कपड़ों पर Thank you.
तो जी अभी यहाँ पे मेरा सारा काम हो गया है, खाना पीना सब कुछ हो गया था, कपड़े वगैरह सब संगवा दिए, बस बर्तन बर्तन रह रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो बर्तन साफ़ करके और फिर बस फाइनल में पोछा रह जाएगा, तो फिर बाद में जो है वो मैं पोछा लगा लूँगी। तो अभी देखो साथ के साथ में बर्तन किए भी हैं पर फिर भी जो है वो बर्तन रह ही हो ही जाते हैं बाद में, तो अभी सारे बर्तनों को साफ़ करके और गैस भी जो है वो मैं साफ़ कर लूँगी तो मेरा काम निपट जाएगा। तो जी अभी हम गांव में गए थे तो अभी आए हैं वहाँ से और अभी बस दूध वगैरह करना है गर्म, बाकी तो कुछ नहीं करना, दूध रखना है गर्म होने के लिए। और वैसे तो मैं अपना सारा ही काम जो है वो निपटा करके गई थी, तो चलिए अभी इसी के साथ में जो है वो वीडियो का भी एंड करेंगे, वीडियो का भी अभी एंड करेंगे। आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो। आप बहुत टाइम से बोल रहे हो कि दीदी आप काम वगैरह जैसे करते थे अब वीडियो नहीं बनाते, तो अभी कोशिश यही रहेगी कि जैसे पहले वीडियोस बनते थे वैसे ही व्लॉग जो है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूं। कोशिश करूं कि पूरे दिन का एक वीडियो तो अच्छा सा मैं बना पाऊं और आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूँ। तो अभी देखिए दूध आ गया है तो दूध भी रखती हूँ मैं गर्म होने के लिए, फिर ना अगर ज़्यादा देर ऐसे रखा रहता तो फिर दूध का ना ख़राब होने का डर रहता है। तो चलिए अभी दूध रख देती हूँ मैं और उसके बाद कपड़े वगैरह चेंज करूँगी।